बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 आर्टिकल हमारा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे, अगर नहीं की तो बेटा साथ साथ करते चलें, क्योंकि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इज नॉट अ सिंपल मैथमेटिक्स, दिस इज कैलकुलस एंड कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज वेरी डेंजरस। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, पहले हमने फंक्शंस को डिफाइन किया, फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट की, फंक्शंस की डोमेन रेंज फाइंड आउट की, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट की है। आज एक्सरसाइज 1.2 में आर्टिकल है जी इनवर्स ऑफ फंक्शंस, के किसी फंक्शंस का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट फंक्शन है जी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज 1:1। एक्स और वाई दो आपके पास सेट्स हैं, इनके दरमियान एक फंक्शन है, और वो फंक्शन कौन सा है जी, वो 1:1 फंक्शन है जी फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। और ये एक्स और वाई जो आपके पास सेट्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन है, तो फंक्शंस में दो बातें बताई गई हैं कि एक तो 1:1 हो और फिर वो एक्स ऑन टू वाई भी हो, यानी ये फंक्शंस 1:1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऐसा फंक्शंस जो 1:1 हो और ऑन टू हो, देन उस फंक्शंस का जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ फंक्शन किस तरह से किया जाएगा, इज एफ इनवर्स से उसको शो कर दिया जाएगा। फंक्शन है जी एक्स से वाई की तरफ है, और ये दोनों ये जो फंक्शन है जी एक्स और वाई के दरमियान, वो फंक्शंस 1:1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए। अगर ये फंक्शन जो है 1:1 भी है और ऑन टू भी है, याद रखें हर फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हर वो फंक्शंस जो 1:1 हो और ऑन टू हो उस फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल होगा। और उसके इनवर्स को किस तरह से शो किया जाता है, एफ इनवर्स, और उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। फंक्शन सिंपल था एक्स टू वाई में, जब इनवर्स हुआ तो वाई से एक्स की तरफ, बाय द रूल, रूल कौन सा यूज किया कि एक्स is equal to f inverse y, x is equal to f inverse y, जबकि असल फंक्शन क्या था, y is equal to f of x था। जब फंक्शन आपके पास x से y की तरफ था, तो that will be the y is the function of x, जिसमें x आपके पास डोमेन थी, x belongs to x set से ये डोमेन, और y आपके पास क्या था जी, y जो है वो रेंज कहलाया। और जब इस फंक्शंस का हमने इनवर्स किया, तो इनवर्स में क्या हुआ, x इज द इनवर्स ऑफ y, जबकि इसमें जो y है दैट इज बिलोंग्स टू सेट y, और ये आपकी डोमेन कहलाएगी। वहां पे y रेंज था, इनवर्स में y डोमेन बन गई, दैट इज डोमेन। और इसमें x क्या है जी आपके पास, दैट इज रेंज। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी फंक्शंस का जब हम इनवर्स करें, तो उस फंक्शंस की जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। किसी फंक्शंस की, अगर किसी फंक्शंस की डोमेन जो है, यहाँ पे डोमेन x था, x बिलोंग्स टू x डोमेन, और यहाँ पे डोमेन क्या हुई, यहाँ पे एक्स क्या हुई, वो उसकी रेंज बन गई। इस फंक्शन में वाई रेंज था, तो जब इनवर्स लेंगे तो वाई आपके पास क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें, तो एक फंक्शन है जी फ्रॉम सेट एक्स से वाई की तरफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, सेट वाई, और y के एलिमेंट जो है वो बिलोंग करते हैं सेट y से, x से y की तरफ फंक्शन, दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ x, x से y की तरफ, y इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर x क्या है, डोमेन, और y क्या है, रेंज। और जब हम इनवर्स चलते हैं, तो इनवर्स में y से हम x की तरफ आते हैं, तो y चूंकि पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा है,
तो जब y पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, x पहले रिप्रेजेंट था तो x डोमेन था, y पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो y डोमेन कहलाया, दैट इज इक्वल टू x। तो ये इनवर्स हो गया। इनवर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज बन गया, और जो रेंज था वो आपके पास डोमेन बन गया। सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शंस का जो इनवर्स है दैट विल चेंज इनटू डोमेन ऑफ फंक्शंस बिकम रेंज ऑफ इनवर्स, और जो रेंज होगी फंक्शंस की वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शंस में। तो ये था हमारे पास इनवर्स। तो किस तरह से फंक्शंस का हम इनवर्स लेंगे, क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर है जी 2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2, फंक्शंस हमारे पास बेटा गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8, और हमें कैलकुलेट करना है जी इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ -1, और सबसे बढ़कर वेरीफाई एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल हो जाए जी एक्स के। वेरीफिकेशन भी करनी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये सवाल है जी एफ ऑफ एक्स है जी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। हम जानते हैं, वी नो दैट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, कि फंक्शन एक्स इसके इक्वल होता है वाई के। सिंपली हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज -2x+8 के साथ, y इज इक्वल टू -2x+8। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी जी, -2x शिफ्ट हुआ दैट इज 2x, दैट इज 8 माइनस y के साथ। x क्या हुआ जी, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। तो ये x हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2 के साथ। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो फिर x किसके इक्वल होगा। हम ये भी जानते हैं जब ये इनवर्स होगा तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है, बात समझे हो। देखें दोबारा, गिवन क्या था एफ ऑफ एक्स, हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, तो सिंपली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी -2x+8। इस फंक्शन से जो आपने वाई इज इक्वल टू -2x+8 किया तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, -2x इधर आके +2x दैट इज 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, दिस बिकम 8 माइनस वाई ओवर 2 के साथ। आल्सो हम ये भी जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x के साथ f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस इज x, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 8 माइनस y ओवर 2 से, यानी फंक्शन x से हम पहुंच गए इनवर्स ऑफ y में। क्लियर? ओहो, आप कहेंगे कि सर हमने तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना था,
लेकिन हम तो एफ इनवर्स वाई में पहुंचे, तो फिर एक्स कैसे फाइंड आउट करें? सो इस वाई को रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ, रिप्लेस वाई इंटू एक्स, तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं, दिस बिकम एफ इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। ये फर्स्ट पार्ट आपका फाइंड आउट हुआ कि एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट हुआ। अब उसे सेकंड चीज भी आपसे पूछा है, जी फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करें? एफ इनवर्स -1, यानी एफ इनवर्स की वैल्यू -1 पर कैलकुलेट कीजिए। तो हम जानते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। इस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं -1 के साथ, रिप्लेसिंग एक्स इंटू -1। तो जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस करते हैं -1 से, दिस इज 8 प्लस 1 ओवर 2, दैट इज 9/2। तो एफ इनवर्स -1 का भी रिजल्ट आया 9/2 के साथ। ओके बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। कैसे किया? फंक्शन एक्स गिवन था, फंक्शन एक्स से हमने फाइंड आउट किया एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स जैसे फाइंड आउट हुआ, उसी फंक्शन पर इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, दैट इज 9/2। अब आ रहे हैं जी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि वेरिफिकेशन से बिलोंग करते हैं। पार्ट थर्ड, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, थर्ड है जी वेरिफिकेशन है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स क्या है? दैट इज 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब ये बन गया एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन एक्स में एक्स को रिप्लेस करना है 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो फंक्शन एक्स, दिस इज पुटिंग की फंक्शन एक्स में -2, दैट इज एक्स, एक्स को रिप्लेस किया 8 माइनस एक्स ओवर 2 +8, 2 से 2 कैंसिल, -8 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एट, माइनस एट से प्लस एट कैंसिल, दैट इज एक्स। ओके नाउ राइट हैंड साइड, सो दिस इज राइट हैंड साइड एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है जी -2x प्लस 8। अब इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन का जो इनवर्स है उसमें जहां एक्स है ये रिप्लेस हो गया, इनवर्स है जी हमारे पास, दैट इज एफ इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे -2x प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, माइनस एक्स को रिप्रेजेंट किया -2x प्लस 8 ओवर 2, दैट इज 2। एफ इनवर्स एक्स, दिस इज एफ इनवर्स, दिस इज एक्स, एक्स को रिप्लेस जहां जहां एक्स था वो रिप्लेस हो गया, दिस इज 8 माइनस एक्स, एक्स को -2x प्लस 8 ओवर 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और दिस इज 8 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 माइनस 8, 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो आपने देखा फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आपके पास रिजल्ट एक्स आया, और राइट हैंड साइड को भी जब आपने सॉल्व किया तो वो भी एक्स फाइंड आउट हुआ। तो क्या साबित हुआ? हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2। जब फंक्शंस आपके पास गिवन हो तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शंस,
हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, हाउ टू कैलकुलेट द वेरिफिकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर टू भी बेटा अपने इख्तिताम को पहुंचा। डू प्रैक्टिस, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।